प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पालावत। यह देश भर का मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आ रहे हैं। आपको पता है कि जनवरी के महीने में जो शुरुआत हुई है और वो मार्च के महीने में भी लगातार जारी है, और अब स्नोफॉल आज काफी अच्छा होने वाला है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर, और धीरे धीरे ये उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। ये आज और कल जो स्नोफॉल है वो काफी अच्छा रहेगा, खास करके हिमाचल प्रदेश तक। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए जम्मू कश्मीर के ऊपर है, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 8 तारीख को यहां पहुंचेगा, यानी कि एक के बाद एक लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ है। तो 8 तारीख की शाम से बारिश और स्नोफॉल शुरू हो जाएगी जो 9 और 10 तारीख तक जारी रहेगी, यानी कि अगले 4-5 दिन ये पहाड़ों पर स्नोफॉल होता रहेगा। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, और जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों में भी अब बूंदाबांदी या मेघगर्जना की संभावना दिखाई दी है। ये कल हुआ था। और अब अगर बाकी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान, इस इलाके में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन पंजाब के कई इलाकों में बादल आज छाए रहे। और अब क्या होगा कि ये बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश की गतिविधियां कोई खास दिखाई नहीं दे रही हैं। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पंजाब में 8 तारीख से शुरू होंगी और दक्षिणी जिलों में होंगी, और 9 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। अगर केवल उत्तर भारत की बात करें तो 8 और 9 तारीख को ये जो वेदर एक्टिविटी है वो शुरू होगी, और खास करके 9 तारीख को जो मौसम है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगा, और पंजाब के साथ साथ हरियाणा के और जो और उत्तरी राजस्थान है जैसे कि गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये सारे इलाकों में भी, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की होने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR में भी 9 तारीख को बारिश हो सकती है। अब आगे अगर बढ़ रहे तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके फिलहाल शुष्क बने रहेंगे। इस इलाके में किसी भी तरह की खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो इस इलाके में भी कोई भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, यानी कि वेदर साफ ही रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश पर ऊपर बना हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेंगी, और पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 5 राज्य हैं ये पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे, यानी कि वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई नहीं देगी। और अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें तो अब क्या होगा कि फिलहाल तो ये 7 तारीख से वेदर एक्टिविटी शुरू होगी, जो ये उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी मध्य प्रदेश कह लीजिए इस इलाके में शुरू होगी। नीमच, रतलाम, उज्जैन और उसके अलीराज, बरवनी, इन सारे अलीराजपुर और बरवनी, इन इलाकों में शुरू होगी। और 8 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है वो क्या होगा कि राजस्थान के कई इलाकों में होती हुई और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, जैसे कि ये जो मैंने बताए थे ये जो जिले हैं इसके साथ साथ खांडवा, खरगोन और इंदौर, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये 8 तारीख को और 9 तारीख को है, और 9 तारीख को ही 8 और 9 तारीख को हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, इन सारे इलाकों में हो, और 9 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो ट्रफ रेखा यहां से नीचे तक आएगी, और उस समय नागपुर से लेकर के यानी कि विदर्भ से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मराठवाड़ा में हालांकि कम होगी, नागपुर, अकोला, अमरोती से लेकर के नासिक, जलगांव, मालेगांव, पुणे और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां 9 तारीख को दिखाई दे सकती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में फेरबदल नहीं होगा मुंबई में, लेकिन जो जो एकदम धूप निकली हुई है और गर्मी है उससे थोड़ी सी राहत कुछ देर के लिए मिल सकती है, और ये जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन सारे इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अभी भी जैसे जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये क्या है कि ये जो डीप डिप्रेशन है ये अब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन था वो इस तरह से गया था, यानी कि पहले इधर गया और फिर ये नॉर्थ की तरफ आया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ डीप डिप्रेशन, अब ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा है और ये साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे जाएगा और तमिलनाडु की तरफ डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कमजोर होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो तूफान का खतरा था वो टल चुका है,
और ये डीप डिप्रेशन भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कटक के पास आएगा वर्टिकल विंड शियर बढ़ेगा और उससे इसकी ताकत कम होती जाएगी, और एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ये तमिलनाडु के तट को पार करेगा और उस समय बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। हालांकि अभी भी हवाओं की रफ्तार तेज रह सकती है, 40 से 50 किलोमीटर रह सकती है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए 60 किलोमीटर भी चली जाए, समुद्र में लहरें ऊंची उठती रहेंगी। प्रिकॉशन अभी भी जरूरी है, यानी सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि बहुत ज्यादा जो खतरनाक बारिश की गतिविधियां थी वो अब नहीं दिखाई देंगी, और बारिश की गतिविधियां पूरे कर्नाटका में रहेंगी 7 और 8 तारीख को और 9 तारीख को, और उसी तरह केरल और आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी देखने को मिल सकती हैं। और कर्नाटका में हम कह सकते हैं कि गडग, हवेरी और तुमकुर और जितने भी इलाके हैं इन सारे इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां बेंगलोर वगैरह में भी देखने को मिलेंगी। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।